Hello student, today we are going to discuss about our math subject class 9, exercise 10.5, question number 5. In this question given here, ABCD are 4 points on a circle. So circle there are hamara ABCD koi point de rakhe hai. AC and ED intersect at E point. AC aur BD jo hai E point par intersect karte hain. Angle BEC, angle BEC दे रखा है 130 degree. We have to find out and ECD, ECD given here 20 degree. We have to find out angle BAC. हमें BAC ये वाला angle find करना है. Okay? तो पहले क्या करेंगे हम? First of all, we find out this angle. इस angle को कैसे निकालेंगे हम? दोनों angle का सम कितना होगा? 180 होगा, क्यों होगा? दोनों angle क्या होंगे? Linear pair angle होंगे. तो इस तरीके से ये angle निकल आया. फिर क्या करेंगे हम? दोबारा से ट्रायंगल बीसीडी में देखेंगे हम द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री. तो इससे ये एंगल निकल आएगा और ये दोनों एंगल क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे. इक्वल क्यों होंगे? एंगल इन सेम लाइन सेगमेंट, जो एंगल है वो हमारे क्या है? सेम लाइन सेगमेंट में. और सेम लाइन सेगमेंट में एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो सोल्यूशन की बात करते हैं. एंगल बीबीसी बीईसी प्लस ईसीडी या डीईसी 180 हो गया, क्यों हो गया? वो था लीनियर पेयर. दोनों क्या है? लीनियर पेयर है हमारे. आगे क्या करेंगे? बीबीसी, बीबीसी कितना दे रखा है? 130 डीबीसी. तो डीबीसी निकाल देंगे 180 माइनस 130 और डीबीसी कितना आ गया? 50 डिग्री. ओके, अब बात करते हैं ट्रायंगल डीबीसी. इन ट्रायंगल डीबीसी या ईसीडी या डीसी कुछ भी बोलो, एंगल डीबीसी डीबीसी प्लस एंगल ईसीडी प्लस एंगल ईडीसी या सीडीई इक्वल टू 180 हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? द सम ऑफ और एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो ट्रायंगल का सम होता है एंगल का कितना होता है? 180 डिग्री होता है. डीसी की कितना है? 50 और ये 20 था और ये सीडी था. 50 और 20 कितना हो गया? 70. अपोजिट ले गया, माइनस में हो गया. तो सीडी कितना आ गया? 110 डिग्री. और सीडी इक्वल टू हो जाएगा बीएसी. क्यों हो जाएगा? एंगल इन सेम लाइन सेगमेंट, जो एंगल है हमारे क्या है? सेम लाइन सेगमेंट में है. ये जो लाइन सेगमेंट दे रखा है क्या है? सेम है. सो एंगल बीएसी बीएसी इज आल्सो 110 डिग्री. आई होप यू अंडरस्टूड वेल दिस क्वेश्चन. इन अ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी एक्सप्लेन नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल.